अस्सलाम वालेकुम। वेब स्टोरेंट एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, जिसमें आप लोग कुछ होलसेल डिस्काउंट्स पर आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। और ये एक ऐसा स्टोर है जो कि होलसेलर है, लेकिन इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। वेब स्टोरेंट में हंटिंग करना लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इससे अगर आप हंटिंग करना सीख जाते हैं तो आपको इससे बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। वेब स्टोरेंट पर हंटिंग करने के 3 फायदे हैं, वेब स्टोरेंट से परचेजिंग करने के 3 फायदे हैं। पहला तो ये कि आपको इससे होलसेल प्राइस पर प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जो लोग होलसेल FBA कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत बेस्ट होलसेलर है। तो आप इससे इजीली जो है प्रोडक्ट्स निकाल के, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल के परचेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस पे हंटिंग थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छी निकलती हैं इससे। इसके 3 फायदे जैसे कि मैंने बताया अभी। पहला तो ये कि आपको जो है इससे होलसेल रेट पर प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलता है। डिफरेंट डिस्काउंट स्लैब्स होते हैं इसके, जो कि हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको क्वांटिटी भी देता है। अब लेट्स सपोज वॉलमार्ट से आप परचेजिंग करते हैं, तो 12 पीस से ज़्यादा वो आपको प्रोडक्ट नहीं देता। और रेट में भी जाहिर सी बात है कि अब वॉलमार्ट के रेट अमेजोन से बिल्कुल कॉम्पीट करते हैं, या तो उससे ज़्यादा होंगे या उसके बराबर रेट होंगे। तो वेब स्टोर एक इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको आप आर्बिट्राज के लिए भी यूज़ कर सकते हो और होलसेल एफबीए के लिए भी यूज़ करते हो। तो एक तो ये आपको क्वांटिटी भी दे देता है, आपको 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स भी चाहिए हो तो ये आपको दे देता है। तीसरा इसका सबसे अहम फ़ायदा क्या है? अहम फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन जो है इस वेब स्टोरेंट की इनवाइस को एक्सेप्ट करता है। ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर में से है, तो इसलिए अमेज़ॉन इसकी इनवाइस भी एक्सेप्ट करता है। अगर तो आपके पास कोई कैटेगरी गेटेड है, लेट्स सपोज ग्रोसरी की कैटेगरी आपके अकाउंट पर गेटेड है, तो आप जो है इससे अनगेट करवा सकते हैं वेब स्टोरेंट से। प्रोडक्ट परचेज करके अमेज़ॉन पे उसकी इनवाइस सबमिट करके आप वो कैटेगरी अनगेट करवा सकते हैं। इसके बाद इसका एक और फायदा कि ये आपको प्लस की इसकी एक मेंबरशिप है, जिसमें आपको फ्री शिपिंग भी देता है, फ्री शिपिंग प्रोवाइड करता है। फर्स्ट मंथ इसका ये है कि आपको फ्री ट्रायल भी मिलता है। फर्स्ट मंथ में आपको उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। फिर इसके बाद सेकेंड मंथ से आपको उसको $100 पे करने पड़ते हैं, जिस पे आप पूरा महीना जितनी भी चाहे परचेजिंग कर लें, आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। इसकी जो है हम हंटिंग करके देखते हैं, हंटिंग किस तरह से हो सकती है इस पे। लेट्स सपोज सबसे पहले तो आप यहाँ इस पेज पे आके ऑफर्स हैं, डील्स हैं, जितनी भी सारी डील्स और ऑफर्स लगी होती हैं आप उनको एक्सप्लोर करें। अब देखें, आप ये बैनर इमेज में एक बैनर एड लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये कोड है, प्लस की मेंबरशिप में ये प्रोडक्ट है और ये कोड है जिसके जिससे आपको जो है कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएगा। इसके अलावा और भी नीचे जाएंगे तो आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगी। अब यहाँ पे कुछ एक कोड दे रहा है, कैक बैक के नाम से, ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी डील्स, बहुत सारी ऑफर्स लगी हुई होती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्लस की मेंबरशिप का बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट फ्री शिपिंग करके आप इसको सेलेक्ट करके अपना जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये प्लस वाली सारी प्रोडक्ट्स शो कर रहा है कि ये सारी प्रोडक्ट्स प्लस में हैं, इट मींस कि ये आपको फ्री शिपिंग मिल सकती है। और इसके अलावा देखते हैं तो आपको अर्न 3% कैशबैक भी मिलता है इस पे। $1 स्पेंड एंड वेब स्टोरेंट स्टोर, अगर आप $1 भी स्पेंड करते हैं तो आपको 3% का कैशबैक भी मिलता है। इसके अलावा लिमिटेड टाइम डील्स हैं, यहाँ पे आप कुछ डील्स हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आप जो है वन बाय वन कोई कैटेगरी है, कोई ब्रांड है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, जिस भी आप कैटेगरी में जाना चाहें। अब लेट सपोज हम किसी कैटेगरी, एक कैटेगरी में जाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस की एक कैटेगरी है, इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ से हम लेट सपोज मैं फूड एंड बेवरेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ टोटल कैटेगरी। अब जब इसमें हम आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट सब कैटेगरीज भी हैं,
इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं, आपको किस में जाना है आप इसको आपकी चॉइस है, आप सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज अगर मैं बेवरेजेस की बात करूं तो बेवरेजेस में जो है 18 कैटेगरीज और हैं। बेकिंग इंग्रेडिएंट्स में जाऊं तो 28 कैटेगरीज और हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट सपोज अभी मैं बेवरेजेस की कैटेगरी में जाता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं फ्लेवरिंग सिरप की प्रोडक्ट्स अलग हैं जिसमें जो है 556 प्रोडक्ट्स हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जाते हैं तो 5 कैटेगरी मजीद हैं। आइस एंड फ्रोजन बेवरेजेस में जाते हैं तो 10 कैटेगरी मजीद हैं। इस तरह से मजीद आप सब कैटेगरीज में जा सकते हैं। मेन कैटेगरी आपकी थी ग्रोसरी फूड एंड बेवरेजेस, इसके अंदर आप जब आते हैं तो सब कैटेगरीज आपके पास डिफरेंस होती। लेट सपोज फ्लेवरिंग सिरप की 556 प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से आपको फ्लेवरिंग सिरप में जितनी प्रोडक्ट्स होंगी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी हैं। लेट सपोज यहाँ पे ब्रांड, आपको कौन सी ब्रांड की प्रोडक्ट्स देखनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए, क्लासिक चाहिए, शुगर फ्री चाहिए, अनस्वीटनेड चाहिए, यहाँ से फ्लेवर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेरी है, सिट्रस है, क्लासिक है, फ्रूट्स है, एक्स्ट्रा फ्लेवर और मजीद जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेवर टाइप कौन सा होगा, फ्लेवर कौन सा होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। प्लास्टिक में आपको कोई बॉटल चाहिए, मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, पैकेज साइज आप क्या चाहते हैं, कितने फ्लोन्स की प्रोडक्ट हो, 12.7 फ्लोन्स, 16.9 फ्लोन्स, ये सारे आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। फीचर्स में आप जो है जिलोटिन फ्री है, मेड इन अमेरिका है, नेचुरल है, नॉन जीएमओ है, ऑर्गेनिक है, यहाँ से इन चीज़ों को भी फिल्टर लगा सकते हैं। चाहे तो फिल्टर लगाए, चाहे तो एक एक करके एक्सप्लोर करें प्रोडक्ट्स को। अब जो है मैं कोई एक एक प्रोडक्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। लेट सपोज ये कैपूरा ब्रांड है, इसकी मैं एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको कितना डिस्काउंट देता है। ये प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर प्राइस में लेते हैं, मतलब एक पीस खरीदते हैं, तो ये आपको मिलता है 5.89 प्रोडक्ट, $5.89 का। अगर इसी प्रोडक्ट को आप चार पीस खरीदेंगे तो चार से ज्यादा लेने पे, चार पीस लेने पे आपको ये पर पीस पड़ेगा $5.77 का। इसके अलावा अगर इस प्रोडक्ट के आप 12 पीस खरीदते हैं तो इसमें आपको मजीद डिस्काउंट मिलता है $5.50 पर यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे $5.89 की ये प्रोडक्ट आपको मिल रही थी और 12 पीस लेने पे आपको $5.50 की एक प्रोडक्ट पड़ गई। तो ये आपकी एक पर पीस की होलसेल प्राइस मिल गई आपको। अब इस प्रोडक्ट को जो है आप अमेजोन पे सर्च करेंगे और वहाँ जाके इसको अपने कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन टूल्स आप यूज़ करते हैं, मैनुअल करते हैं, उससे आप इसको मजीद कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग्स कितनी है, आइटम नंबर क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। आप प्रोडक्ट की पिक्चर को ओपन करके जूम इन जूम आउट करके इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं कि आपकी वही प्रोडक्ट है या नहीं। अब लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट मैंने निकाली थी, इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया कि अमेजोन पे ये मुझे प्रोडक्ट्स दिखाएं। अब ये प्रोडक्ट अमेजोन पे आ चुकी है। अब इस प्रोडक्ट को मैं अमेजोन पे पहले मैच करूँगा कि क्या ये वही प्रोडक्ट है या नहीं। ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम लग रही है मुझे वैसे, लेकिन मैं इसको मजीद क्लेरिफाई करूँगा ये कौन सा फ्लेवर है। फ्रेंच वनीला का फ्लेवर है और 25.4 फ्लोर्स की ये प्रोडक्ट है। मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ जूम इन करके। 25.4 फ्लोन्स, 750 ml के प्रोडक्ट है, वेनिला क्लासिक फ्लेवर में ये है। ये फ्रेंच वेनिला है और ये वेनिला है, तो प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें फ्रेंच वेनिला अलग से कोई फ्लेवर है या वेनिला का ही ये फ्लेवर है एक ही है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको ड्रॉप डाउन करके देखता हूँ, फ्रेंच वेनिला देखें, ये अलग प्रोडक्ट है। अब मैंने अमेजोन पे जो प्रोडक्ट निकाली है मैं उसी को जो है मैच करूंगा और उसी को उठाऊंगा। अब ये प्रोडक्ट मैंने देख ली, ये फ्रेंच वेनिला एक प्रोडक्ट है, फ्रेंच वेनिला क्लासिक सिरप 750 ml, फ्रेंच वेनिला क्लासिक सिरप 750 ml, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारी मैच हो चुकी है। अब जो है इसको हम
देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल मैच हो चुकी है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट में एक चीज आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये जो पंप है, ये दो चीजें हैं इसके साथ, पंप एंड स्पाउट, ये आपको इसके साथ बेचना है। इट मीन्स अमेजोन पे इस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की हुई है, ये पंप के साथ और इसके साथ जो है रखी हुई है, तो ये दोनों चीजें आपको इसके साथ देनी पड़ेंगी कस्टमर को। अब अगर तो ये प्रोडक्ट आपको उसके साथ मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये प्रोडक्ट इस तरह से नहीं बेच सकते। आपको पंप और इसका जो ये स्पाउट है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा और इसके साथ इसको अटैच करके बेचना पड़ेगा। तो वो तो जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आप प्रोडक्ट को एग्जैक्ट कंप्लीट चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट वही है या नहीं। अब वही प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसके साथ लिस्टिंग में क्या मौजूद है, आपको जो है RSG टुडे पंप एंड स्पाउट दोनों ये चीजें इसके साथ भेजनी पड़ेंगी। तो इस तरह से प्रोडक्ट को पहले मैच करना है और इसके बाद इसको आप फाइनल करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ये जो है आप इस तरह से इसको प्रोडक्ट फाइंड करके देख सकते हैं। अब आती है बात कि ये प्रोडक्ट मैंने देखी और ये मुझे लेट सपोज प्रॉफिट नहीं दे रही। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद से। मैं जस्ट आपको वेबसाइट पर हंटिंग करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमने देखी, लेट सपोज ये आपको आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं करती और ये प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रही है, तो इसका मतलब अगर ये प्रॉफिट दे रही है और क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, तो हो सकता है इसके कुछ डिफरेंट फ्लेवर हो, तो उनको हम एक्सप्लोर करें, शायद उसमें हमें कुछ प्रॉफिट्स बच जाए, कुछ हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक निकल आए। तो अब एक प्रोडक्ट हमने निकाल ली, अब इसके जो है मजीद फ्लेवर्स हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, एक एक करके दूसरे फ्लेवर्स में जाएंगे। अब ये एलमंड का एक फ्लेवर है, इस फ्लेवर को हम ओपन करते हैं और यही फ्लेवर अमेजोन पे सर्च करके देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो है हमें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं, और क्या ये हमें प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। अब ये जो है मेरी कौन सी प्रोडक्ट थी, एलमंड फ्लेवर, क्या ये एलमंड फ्लेवर है, नहीं ये एलमंड फ्लेवर नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं कोई और इसका फ्लेवर चेक करूंगा, लेट सपोज कोकोनट फ्लेवर है, मैं अब कोकोनट फ्लेवर को जो है अमेजोन पे सर्च करूंगा। ये कोकोनट फ्लेवर भी नहीं है। अब लेट सपोज आपके पास ये जो आपके पास सजेशन में ये आ रहा है फ्लेवर, ये कौन सा है, चॉकलेट फ्लेवर। अब चॉकलेट फ्लेवर हमें बार बार दिखा रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या है चॉकलेट फ्लेवर इसके पास अवेलेबल है। बिल्कुल है अवेलेबल, और इसके आपने रेट देख लिए। अब जो है ये $23 की यहाँ पे प्रोडक्ट बिक रही है और यहाँ पे $5.5 की आपको मिल रही है, मतलब आपकी कॉस्टिंग होगी 5.5 की, इसके बाद आपके एक्सपेंस लगेंगे, और इसके बाद जो है आप इसको $23 में अगर सेल करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट बचता है वो आप देखेंगे। लेकिन एक और चीज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें लिस्टिंग्स में आपको ये पंप्स और ये साथ देना जरूरी है, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसमें ये चीजें साथ नहीं है, तो आपको ये चीजें मेक श्योर करनी है कि कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा जो है वो लिस्टिंग पे लगी हुई है जो आपको देनी पड़ेगी, तो आपको उसके साथ ही प्रोडक्ट्स परचेज करनी है। आप इसके बगैर भेज देंगे तो कस्टमर इससे खराब होगा आपका, कस्टमर नेगेटिव रिव्यू देगा, जिससे आपके अकाउंट की हेल्थ की खराब हो सकती है। तो हमें जो है ये प्रोडक्ट्स को चेक करना है इस तरह से और इनको एक्सप्लोर करना है। एक तरीका तो ये हो गया, आप कैटेगरी वाइज गए यहाँ से और आपने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर किया, एक प्रोडक्ट आपने देखी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, क्राइटेरिया दे मीट कर रही है, आप उसके दूसरे फ्लेवर्स में चले जाए, शायद उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाए, या फिर आपको प्रॉफिट दे रही थी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, आप इससे जा सकते हैं, क्राइटेरिया मीट कर रहा है प्रॉफिट नहीं दे रही, तो आप इसके दूसरे फ्लेवर में देखेंगे, हो सकता है उसमें क्राइटेरिया भी सही हो प्रॉफिट भी सही हो, तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं।